कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान क्लास 8 सोशल साइंस। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती। उसके बाद है, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, आंसर हो जाएगा घर नंबर। इनमें से कौन समूह रबी की फसलें से संबंधित है? तो गेहूँ चावल। क्वेश्चन नंबर 2 आपको मिलान करना है। पहला है महालवाड़ी, इसको मिला देंगे पंजाब में, और दूसरा है नील दर्पण। नील दर्पण को हम मिला देंगे दीनबंधु में, दीनबंधु मित्र नगदी फसल। नगदी फसल जो है आपका नगदी फसल, तो नगदी फसल को हम मिला देंगे तीसरे नंबर को यानी बिहार। और अस्थाई बंदोबस्त को हम मिला देंगे 1993 में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आपको रिक्त स्थानों को जो है भरना है। पहला है, किसी दल को बहुमत प्राप्त करने के लिए लोकसभा में कितनी सीटें रहती है? यहाँ पर 272 हो जाएगा। पालसी युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो लॉर्ड क्वालेई, आंसर हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है, बोकारो लौह इस्पात केंद्र आपको सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया था। मृदा में जीवों के सड़े गले अवशेषों को जो है, अवशेषों को ह्यूमस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संसाधन की परिभाषा दें। तो मनुष्य अपने जीवन में अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? नकदी फसल किसे कहा जाता था? भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन से हैं? धन निरपेक्ष में मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं? 4 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, देखिए आंसर बताते हैं। 4 के 2 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 18वीं शताब्दी से माना जाता है, 1750 ईस्वी के बाद वाले को। आज जिस फसल को खेतों से सीधे व्यापारियों द्वारा खरीद लिया जाता है, जैसे गन्ना, तंबाकू, अफीम, जूट, चाय, कपास, नील, ये सब जो है नगदी फसल है आपका, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? तो लिख सकते हैं आप, लोकतंत्र, स्वतंत्रता तंत्र, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। पाँचवा क्वेश्चन है आपका, धर्मनिरपेक्षता के मुख्य रूप से बात लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पाँचवा के, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं को संक्षिप्त वर्णन करना है, तो आप लिख सकते हैं इसमें से